दोस्तों आज की कहानी है ससुर जी आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी और निगाहें दरवाजे पर अटकी हुई थी। रात के 10 बज रहे थे पर अवनी की अभी तक कोई खबर नहीं थी। बेसन ने घबराहट और चिंतित मुद्रा में अरुण जी यहाँ से वहाँ टहल रहे थे कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। वो भागकर बाहर जाते और गाड़ी के दरवाजे पर तोरस लेकर खड़े हो जाते हैं और सहकते हुए कहते हैं, आ गई बिटिया, कब से मैं इंतजार कर रहा था। आसमानी बादल और बिजली कब से मन को बेसन कर रही थी और तू है कि फोन बंद करके रखती है। अरे बाबूजी आप अभी तक सोए नहीं और लगता है आप अभी तक अपनी दवाई भी नहीं खाए इसलिए इतनी देर तक जाग रहे। कितनी बार का आपको कि आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए। मैं देर सवर घर लौट आया करूँगी पर आप सुनते काम क्यों मेरी इतनी चिंता करते बाबूजी। और फोन बंद नहीं था बाबूजी, वो बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए बंद हो गया। अच्छा आप जल्दी अंदर चलिए नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। टैक्सी वाले को पैसे देते हुए अवनी कहती है, कैसे ना करूं बहू तुम्हारी फिक्र, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। जब तक मुझे एक नज़र देखना लो मन को चैन नहीं मिलता। एक बार तू घर आ जाती है तो कलेजे को ठंडक मिल जाती है। कितनी बार मैंने तुझे कहा है बेटा दूसरी शादी कर ले जिंदगी में आगे बढ़ जाए पर तू सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इस बुढ़े का क्या भरोसा, कब सांसें थम जाए। हीटर ऑन करते हुए अरुण जी कहते हैं, बाबूजी आप भी ना हर दिन वही बात लेकर बैठ जाते। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मेरे लिए तरुण का प्यार ही काफी है और मैं तरुण की जगह किसी को नहीं दे सकती। आप फालतू की जिद करना छोड़ दीजिए। तरुण की यादें और आपके साए तले मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी बाबूजी। बस आप कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा। अरुण जी के पास घुटनों के बल बैठकर उनकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में भरते हुए भावुक होते हुए अवनी कहती है, अरे पगली मेरा बस चले तो मैं आजीवन तेरे पास रह जाऊं पर ये तो जीवन है बेटी। एक ना एक दिन तो सभी को इस देह का त्याग करके जाना ही पड़ता है इसलिए तो कह रहा हूँ अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढ ले। अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए अरुण जी कहते, आप भी ना बाबू जी बस जीवन साथी की बात देकर बैठ जाते हैं। मुझे तो लगता है आपको तरुण से कभी प्यार ही नहीं था इसलिए मेरी दूसरी शादी करवाने के पीछे पड़ गए। हाथ में दवा और पानी देते हुए अवनी कहती है, बहु वह तो निर्मोहिया था मोह कर चला गया पर उसी के मोह में कह रहा हूँ कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने दे। जाने वाले को तो नहीं रोक सका पर मेरी बच्ची मेरे तेरे जीवन को तो फिर से सवर ही सकता हूँ ना। मान जा अवनी बेटा कल कर ले दूसरी शादी सूर्य से। सूर्य बहुत अच्छा लड़का है मुझे यकीन है वह तुझे बहुत खुश रखेगा। देख बेटा सूर्य सामने से चल कर आया है तेरा हाथ मांगने, उसे हाँ कर दे ताकि मैं भी इस दायित्व से मुक्त हो जाऊं। हाथ जोड़कर विनती करते हुए अरुण जी कहते, बाबूजी रात बहुत हो गई है अब जल्दी से उठिए और सो जाइए नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बात को टालते हुए अवनी अरुण जी का हाथ पकड़कर कुर्सी से उठा देती हैं और कमरे में जाने कहती हैं। अरुण जी जाते जाते अवनी को फिर से कह जाते हैं, बहू एक बार सोच लेना मेरे खातिर इस बूढ़े बाप की खातिर। ऐसा कहकर अरुण जी कमरे में सोने चले जाते और अवनी वही हॉल में लगे तरुण की तस्वीर के पास खड़ी होकर उसे अपने हाथों से सूटे हुए भावुक हो जाती हैं और नम आँखों से तरुण की तस्वीर से बातें करने लगती हैं। क्यों चले गए तरुण मुझे अकेला छोड़कर, जिंदगी ने तुम्हारा
ही तो साथ दिया था, उसे भी सीन कर ले गए, जाना ही था तो क्यों आई मेरी जिंदगी में खुशियां बनकर, एक अनाथ को पल भर की खुशियां देकर फिर से तन्हा कर गए। और बाबूजी उसी खुशियों का वास्ता देकर दूसरी शादी करने को कह रहे हैं, कैसे मान जाऊं उनकी बात, मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, मैंने तो उन्हें अपने पिता से बढ़कर माना, और अब अपने पिता को छोड़कर कैसे किसी और के साथ चली जाऊं, काश उस रात तुम्हारी जगह मेरा एक्सीडेंट होता और मैं चली जाती तो अच्छा होता, कम से कम मैं इस दोहरे पर तो नहीं खड़ी होती, एक तरफ पिता समाज ससुर की जिम्मेदारी है जिनका मेरे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में, और दूसरी तरफ मेरी पूरी जिंदगी है, मैं करूं तो क्या करूं, तरुण कहते कहते अवनी बिलक पड़ती है। बचपन से अनाथ अवनी की जिंदगी में तरुण का प्यार खुशियों की सौगात बनकर आई थी। 2 साल के प्रेम संबंध के बाद तरुण और अवनी शादी करने का फैसला लेते हैं। अरुण जी की राजी खुशी से दोनों की शादी हो जाती है, पर काल की महिमा देखिए एक सड़क दुर्घटना में तरुण की मौत हो जाती है। 24 साल की नन्ही नवेली दुल्हन सासारी सुख को बिना भोगी विधवा का वेश धारण कर देती है। पूरे 1 साल लगे उसे खुद को संभालने में, तब जाकर कहीं वह खुद को लौटा पाई। अवनी को फिर से जिंदा रखने में अरुण जी का बहुत हाथ था, वो दिन रात अपनी बहू की सेवा में हाजिर रहते थे। उनकी लाशारी को देखकर अवनी ने हंसना सीखा, जीवन को जीना सीखा, पर अवनी डरती थी दूसरी शादी से, इसलिए भी कि कहीं वो अपने पिता समान ससुर से दूर ना हो जाए, इसलिए हर बार टाल देती थी अरुण जी की बातों को। पर पिछले कुछ सालों से अरुण जी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और वो चाहते थे कि उनके जीते जी अवनी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए ताकि वो सेन से मर सके। अरुण जी के काफी मनाने के बाद और रात पर सोच विचार करने के बाद अवनी दूसरी शादी के लिए मान तो जाती है, पर शादी से पहले एक बार सूर्य से मिलने के बाद अपना डिसीजन सुनाएगी। अरुण जी खुशी खुशी ये बात अवनी की मान लेते और सूर्य को दूसरे दिन ही मिलने के लिए बुला लेते। सूर्य भी कब से अवनी के हाँ का इंतजार कर रहा था। सूर्य बेसब्र मन से अवनी से रूबरू होता, अवनी के कहे अनुसार अरुण जी अवनी और सूर्य को अकेले कुछ देर छोड़ देते। सूर्य कुछ बोलना ही चाह रहा था कि उससे पहले अवनी ही बोल पड़ी, सूर्य जी मुझे नहीं पता आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते, पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले आपको बता दूँ कि मैं अपने पिता समान ससुर जी को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है और उनका देखभाल करना मेरा पहला कर्तव्य है, इसलिए यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ मेरे बाबूजी की भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, अगर आप इस बात से राजी हैं तभी मैं आपके जीवन सगीनी बनने को तैयार हूँ, अवनी नजरे झुकाए सूर्य को बोल रही थी। अवनी जी मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मैं वादा करता हूँ आपसे कि बाबूजी को कभी बेटे की कमी महसूस होने नहीं दूंगा, उनका एक बेटा खोया है पर दूसरा अभी है, उनकी सेवा करने के लिए आप निश्चित रया बहू होकर पिता सा मान दे सकती हैं तो क्या मैं दामान बनकर बेटे सा प्यार नहीं दे सकता, मैंने भी अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, आज तक उनके साये से दूर रहा और अगर आज मुझे बाबूजी के रूप में पिता मिल रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी में मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती, भरोसे के साथ सूर्य अवनी को कहता है। सूर्य की बात ही अवनी के दिल को छू गई, सूर्य के रूप में उसने तरुण को फिर से पा लिया था इसलिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। शुभ मुहूर्त देकर अरुण जी अवनी और सूर्य की शादी तय हो जाती है। वह पल अरुण जी के जीवन में खुशनुमा पल तो
थे, पर बहू को फिर से बेटी की तरह सजा कर अपने घर से विदा करना उनके लिए बहुत कठिन था। जो बेटी अपना खून ना होते हुए भी खून का फर्ज निभा गई, उसके सामने एक बार फिर अरुण जी हाथ जोड़ लेते और बिटिया की विदाई के वक्त कह जाते, अगले जन्म मेरा खून बनकर लौट आना बेटा, कुछ कर्ज बाकी है मुझ पर। बाबूजी के इन शब्दों से अवनी के साथ साथ सारा मौल गम गिन हो जाता है।